बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी। हाँ। और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रेमिका की गला काटकर हत्या। आरोपी बोला, मोहब्बत में धोखा देने वालों की एक ही सजा है, सिर्फ मौत। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका कहना है कि उसकी प्रेमिका आसमा ने उसको धोखा दिया था, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खीर खानी के कब्रिस्तान में एक महिला का शव पड़ा मिला। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार और घाव थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृतक महिला की पहचान आसमा के रूप में हुई, तो वहीं पुलिस को पता चला कि आसमा का प्रेम प्रसंग अदनान और बबलू नाम के युवक से चल रहा था, उसके द्वारा ही आसमा की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा आसमा के प्रेमी अदनान को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो अदनान उर्फ बबलू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा आसमा के प्रेमी अदनान को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो अदनान उर्फ बबलू ने जुर्म कबूल कर लिया। आसमा अपने प्रेमी अदनान उर्फ बल्लू से अक्सर कब्रिस्तान में मिलने जाया करती थी। आसमा के पास पहले एक छोटा फ़ोन था, जिससे बात ठीक से नहीं हो पाती थी, तो अदनान ने उसको एक नया मोबाइल फ़ोन दिलवा दिया। लेकिन जब भी अदनान आसमा से फ़ोन करता था, तो उसका फ़ोन हमेशा बिजी आता था, जिससे अदनान को शक हो गया कि आसमा किसी और से भी बात करती, जिससे गुस्साए अदनान उर्फ बल्लू ने आसमा को मिलने कब्रिस्तान बुलाया और आसमा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं जब आसमा के कातिल अदनान और बल्लू से मीडिया कर्मियों ने पूछा, तो उसने आसमा का कत्ल क्यों किया और क्या कत्ल करने पर अफसोस है, तो अदनान उर्फ बबलू ने बेखौफ होकर बोला कि आप भी ध्यान से सुनिए, मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखा देने की सज़ा सिर्फ एक ही है, मौत। चाकू से काट डाली गर्दन, 2.5 साल की कमाई खा गई मेरी पूरी और दूसरे के चक्कर में फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया तो से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि बल्लू फैन हो मैं संजय दत्त का, बल्लू साडा मर गया, उसका एनकाउंटर कर दिया, मेरा एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक मर्डर किया है, 10 मर्डर नहीं किए। जब 10 मर्डर मैं करूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, बात खत्म। मोहब्बत या दोस्ती में धोखा देने वालों को मैं मार दूंगा। सजा काटने के बाद पता चलेगी कि आगे क्या करना है, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।